जो मेहनत है वो बर्बाद हो चुका है, पूरा खत्म हो गया है, जितना हम लोग किए थे सब बर्बाद, सब हो गया, बर्बाद हो गया सारा। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके सारा एकदम चिकन कर दिया, एक चीज नहीं बचा है। हमारे पिताजी एकदम सन्न हो गए, हमको कह रहे थे तुम नहीं गए होते तो हम ही सो जाते, वो हमारे भरोसे थे, हम लोग कुछ नहीं होगा। हम लोग इसलिए तो, हेलो फ्रेंड नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग, वेलकम है आप लोग को हमारे एक नए वीडियो में। तब आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोग के यहाँ मतलब ठंडी उंडी पड़ रहा है कि नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत सारा ठंडी पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है हम लोग आज हैं, क्योंकि आज आपको बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि मैं 2 दिन के लिए घर चली गई थी खेत से, हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग चले गए थे और हमारा तबीयत नहीं सही था उस समय। पिछले समय मतलब पिछले दो दिन में बहुत ज़्यादा मतलब हवा चल रहा था, जिसके वजह से मतलब मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं घर चली गई थी। तो हमारे ना रहने पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया फ्रेंड, एकदम आँख में से आँस आ रहा है। आप लोग से क्या ही बताएं, मतलब मेरा पूरा आलू चना और गोभी जो था, गोभी का तो एक भी डंटी नहीं दिखाई दिया, धान के एकदम चिकन हो गया, गेहूं जो था और इधर का चना है, देखिए वहाँ पे जो हमारा खेत है पीछे उस साइड में सारा खेत एकदम पूरा एकदम नीलगाय और ये जो छुटुआ सांड होते हैं ये सब मिल करके पूरा एकदम खराब कर दिए हैं। मेरा खेती पूरा बर्बाद हो गया, फसल पूरा बर्बाद हो गया। हम लोग पिछले एक हफ्ते से यही बगीचे में रह रहे थे, इतने दिन से हम लोग रखा रहे थे के लिए, सिर्फ पापा, इसके पहले पापा और मम्मी रहते थे, मम्मी रात को चली जाती थी घर पे, पापा अकेले सोते थे, तो पापा का बीच में तबीयत खराब हो गया था तो हम पापा से बोले पापा आप घर रहो हम लोग खेत में रहेंगे, तो हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग खेत में रहते थे दिन को भी और रात को भी, कभी कभी घर जाते थे नहीं तो नहीं जाते थे। तो पिछले दिनों 2 दिन के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ था, आप लोग को वीडियो में देखे ही थे, तो उसी वजह से हम घर चले गए थे। पापा भी नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि पापा का भी तबीयत खराब था तो इस वजह पापा नहीं थे, और इसी वजह से फ्रेंड मेरा पूरा खेती जो है पूरा बर्बाद हो चुका है। और मतलब इस समय क्या ही बताएं आप लोग को, देख करके एकदम रोना आ रहा है। देखिए मेरा पूरा पालक जो है आपको दिखाते हैं, इधर रुकिए, पूरा हरा हरा है, देखिए सारा कितना अच्छा पालक हो गया था फसल हमारा, एकदम टूटा हो गया है, उधर सब चढ़ रहा है, उधर देखिए कुछ दिख नहीं, बीच में देखिए गैप दिख रहा है, एकदम बीच में गैप दिख रहा है आप लोगों को, चना है, आलू है, पूरा वहाँ पे धनिया था, वहाँ पे खड़ी पालक था, मतलब आप लोगों को क्या ही बताएं, झोपा झोपा टमाटर फरा था मेरा, देसी टमाटर बड़ा, इतना बड़ा बड़ा टमाटर फरा था, सारा टमाटर का पूंजी उनकी तहत नहीं बचा है, बहुत ज्यादा मतलब नुकसान। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप लोग बताइए, हम लोग इतना खेती गृहस्थी इतना मेहनत से हम लोग करते हैं और इसको एक दिन अगर मिस्टेक होता है तो इसका कोई इलाज नहीं है, आप ही लोग बताइए। हर किसान परेशान, हमें नहीं कह रहे कि हम ही भर परेशान है, जितने भी किसान है सब इससे परेशान है, जानवरों का कोई हला भला नहीं होगा। सरकार से आप लोग रिक्वेस्ट करिए, चाहे किसी से, चाहे हम भी करें, चाहे कोई भी कोई हमारी मदद कर देता तो बहुत अच्छा रहता, कम से कम लोग कि कम से कम जानवरों से कोई हम लोगों का हला भला हो जाए। हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप लोगों को अगर कोई इसके बारे में जानकारी हो, चाहे कोई अगर हो कुछ ऐसा पता चल, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा सोल्यूशन बताइए आप लोग कि मान लीजिए अगर हम लोग हम दिनों रात बताइए कुछ ऐसा करें हम लोग जिसके वजह से अंदर ना आ पाए, बल्कि हम लोग इसके लिए प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा किए हैं, चारों तरफ तार से बर्बाद होते लेकिन बनवाए हैं, पूरा पैसा लगा धान का नहीं मरवा पाएंगे तार, हम लोग धान नहीं गेहूं है, अरे यार वही गेहूं का करेंगे, गेहूं का नहीं मरवा पाएंगे। अब गेहूं मान लीजिए ज्यादा है तो गेहूं का कितना करेंगे, कोई डाल है इसका हम लोग कर दिए हैं लेकिन ये भी तोड़ देते हैं लोग, और ये तोड़ करके आ जाती है नीलगाय जो होते हैं छोटे छोटे, अंदर आ गए थे मेमने जैसे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे ना, वो बच्चे आ जाते हैं घुस करके, वो सब नहीं, बस ज्यादातर से यहाँ पे बाछड़ा जो होता है गाय जो छोटी है ये ज्यादा नुकसान कर रही है, इनका कोई हला भला आप लोग बताइए, इनको कैसे क्या किया जाए, ये रात भर सोने नहीं देती है। पूरा मटर जो हमारा था पूरा सत्यानाश हो चुका, पूरा इतना झोपा झोपा मटर बतिया लिया था और पूरा बहुत ज्यादा एकदम चिकन कर डाली, कुछ भी नहीं बचा, से एक ही चीज सिर्फ आप लोग कैमरा घुमाएंगे देखेंगे सिर्फ सरसों दिख रहा है, सरसों का पुनकी दिख रहा है, वो भी अगर फुलाया नहीं होता तो वो भी झंगाड़ हो जाता, उसमें से चिकन हो गया, चिकन हो गया मतलब पूरा झुंड आया था इधर का और उधर का था, देखिए सब साफ हो गया उधर ठंड, और आप लोग से यही जानना चाहती है, सबके हम जान रहे सबके घर पे हो रहा है लेकिन इससे हर किसान परेशान है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम ही लोग नहीं, हर एक किसान परेशान है। अभी हम आए खेत में जब यहाँ पर 3-4 गैया और बछड़ा लोग चढ़ रहे थे इस साइड में, तो हमने डंडा लेके दौड़ाया, अभी बहुत मारेंगे, साइलेंट में आप करते तुम लोग, सभी लोग एकदम परेशान, हम भी परेशान, तो बस यही कहना चाहते हैं आप लोगों से, अगर आप लोग के पास ऐसा कोई सोल्यूशन है तो आप लोग प्लीज बताइए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप लोग से मतलब हम लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि आप लोग भी किसानी है और जितने किसान भाई लोग होंगे, हमारी बहनें, हमारी सिस्टर होंगी, सब लोग परेशान होंगी, आप लोग तो जानते हैं हम घर में रहने वाले इंसान है, पहली बार तो हम खेत में मतलब
थोड़ा रात गुजारे हैं, 8 दिन 10 दिन जो भी गुजारे हैं, बहुत खल रहा है। लोग सालों साल मेहनत करके उनका, हर किसान का मेहनत बर्बाद। बताइए, हमारा 10 दिन का मेहनत मान लीजिए हम रखाए हैं, हमको खल रहा है। जो लोग दिन रात हमारे पिताजी जो लोग दिन रात खेतों में रह करके फसलों की रखवाली करते हैं और आधे घंटे के लिए कहीं बाहर भीतर अगर चले गए तो उनका फसल नुकसान हो जाता है, तो उन लोग के दिल पर क्या गुजरता होगा हमको पता है। हमसे आप लोग खुद, हम लोग को खुद इसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ मतलब इसके लिए कोई ना कोई कानून तो बनना चाहिए ना। सोल्यूशन बताइए आप लोग, बस सोल्यूशन सोल्यूशन बताइए आप लोग कि हमारा खेती कैसे बचे। हम देखिए अभी इस चीज के लिए नए हैं, चाहे जो भी है, मतलब पहले हम, मतलब हमारे पापा भी किसान थे, ऐसी बात नहीं है, हमारे पापा किसान है और कोई हमारे घर में नौकरी वकरी वाला नहीं है, हमारे पापा भी किसानी करते हैं, हम किसानी के बारे में अच्छी तरीके सब कुछ जानते हैं, तो हमको किसानी करना अच्छा भी लगता है और खेतों में काम करना तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मम्मी और पापा खेत आते हैं तो यहाँ पे मम्मी पापा के साथ मैं आती हूँ काम करवाने के लिए, खाद छींटना हो गया, पानी चलाना हो गया, या फिर कुछ बुआई करना हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। बट अगर वो चीज़ नहीं होती, आप मेहनत करो, उस मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा दिल में तकलीफ होता है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है। ये चीज़ें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर की हूँ कि मेरा ये जो मेहनत है वो बर्बाद हो चुका है, पूरा खत्म हो गया है, जितना हम लोग किए थे सब बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया सारा। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके सारा एकदम चिकन कर दिया, एक चीज नहीं बचा है। हमारे पिताजी एकदम सन्न हो गए, हमको कह रहे थे तुम नहीं गए होते तो हम ही सो जाते, वो हमारे भरोसे थे, हम लोग बताए नहीं, हम लोग इसलिए नहीं बताए, अभी हम लोग बता देते तो पापा फिर आके सोते, इसी वजह से हम लोग नहीं पापा को बताए, और हम लोग गलती किए, पापा को बता देना चाहिए था। और 2 दिन हम यहाँ पे कोई नहीं था, ना पापा थे ना मम्मी थी ना ये, इसके वजह से पूरा एकदम चिकन। और आप लोग जानते हैं पिछले वीडियो में आप लोग देखे हैं, हमारा तबीयत सच में बहुत, कमर में दर्द था, और मतलब क्या ही बताएं आप लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर कुछ बात हमारी बुरी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि कुछ हमको सोल्यूशन हला भला मिल सके इसका, क्योंकि बहुत मेहनत किए थे, सारा मेरे मेहनत पर मिट्टी मिल गया, पानी फिर गया, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी।